example 12.7, an electric lamp whose resistance is 20 ohm and the conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate 3 points mein diye hue hain, isko alag alag part mein 3 parts mein solve karna hai. First part hai the total resistance of the circuit. Second part hai the current through the circuit. Third part hai the potential difference across the electric lamp and conductor. यहाँ क्या कर रहा है, ये 4 ओम रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है लेकिन बल्ब के अंदर भी क्या होता है, फिलामेंट होता है, होता है ना फिलामेंट, और फिलामेंट में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है. तो यानी दो रेजिस्टेंस हो गया ना, ये रेजिस्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस, तो यही दो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है. एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, यानी यहाँ 20 ओम, एंड अ कंडक्टर 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी. ये 6 वोल्ट बैटरी, यहाँ देखिए 3 सेल्स है, 1, 2 एंड 3, थ्री सेल मिलके एक बैटरी बन गया और उसका वैल्यू हो गया 6 वोल्ट. चलिए पहले टोटल रेजिस्टेंस फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं, ए पार्ट निकालते हैं. यहाँ फिगर फिर से बना दिए कि आपको समझने में आसानी होगा. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा. गिवन रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प R1 = 20, बताया था वहां पर, ठीक है. रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज R2 = 4 ओम, वहां बताया था, बना दिए. अब R पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है. इक्विवेलेंट R निकालना है, दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में दिया हुआ है, तो R = क्या हो जाएगा, R1 + R2, दोनों का वैल्यू लिख देंगे. R1 का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे एंड R2 का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, दोनों को एड कर दिए, 24 ओम हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स, 1 टर्मिनल एंड 2 टर्मिनल, वोल्टेज इक्वल्स टू व्हाट, 6 वोल्ट, यहाँ लिख दिया 6 वोल्ट. करंट पूछ रहा है कि करंट कितना पास होगा इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे, फिर से ओम्स लॉ लेंगे, V = IR, सो I = V/R. द करंट थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय, क्या क्या हो जाएगा, I = V का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वी का वैल्यू दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो यहाँ पर लिख दिया 6 वोल्ट. एंड जो रेजिस्टेंस है सीरीज वाला, वो जो अभी हमारा निकला है, उसको यहाँ से लिख देंगे 24 ओम. इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और यूनिट किसका लिखेंगे, करंट का, यस करंट का यूनिट लिख देंगे, ठीक है. सेकंड पार्ट भी हो गया, अब थर्ड पार्ट में आते हैं. फिर से ओम्स लॉ को लेंगे, V = IR. अब इसमें अलग अलग दोनों का पूछा था, इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए कितना होगा और फिर कंडक्टर के लिए क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम इलेक्ट्रिक लैम्प का पहले करते हैं. फॉर्मूला यही लेंगे हम लोग, V = IR. तो चूंकि दो बार निकालना है हमको पोटेंशियल, तो V1 और V2 मान लिया, ओके. अब आई करंट क्या है, करंट तो यही इतना ही पास हो रहा है इन दोनों मेन टर्मिनल के बीच में, ठीक है. इस 6 वोल्ट से करंट पास कितना हो रहा है, अभी हमने सॉल्व किया, 0.25 एम्पियर. तो करंट के जगह पर हम सेम ही लिखेंगे इसमें भी और इसमें भी, लेकिन जब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करेंगे तो 20 ओम लिखेंगे. इलेक्ट्रिक बल्ब 20 ओम, पहले भी बताया इसका 20 ओम है, तो यहाँ लिखेंगे 20 ओम. फिर इन दोनों का कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5 वोल्ट. V2 के लिए यानी कंडक्टर के लिए यहाँ पर R का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 ओम, तो यहाँ लिख देंगे 4 ओम. करंट दोनों में सेम रहेगा इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि सीरीज में ये भी कॉन्सेप्ट आप थ्योरी में पढ़े थे कि जब सीरीज में जाता है तो करंट इसमें भी वही जाता है इसमें भी वही जाता है, अलग अलग नहीं जाता है. कॉन्सेप्ट टू पार्ट में दोनों का वैल्यू निकल गया, V1 का भी वैल्यू निकल गया एंड V2 का भी वैल्यू निकल गया, ठीक है. चलिए.